नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को मिलेगा 2% बढ़ा हुआ डीए। मध्य प्रदेश में हर मोहल्ले में खोले जाएंगे संजीवनी क्लिनिक। अगले महीने छिंदवाड़ा और गुना हो सकती है शुरुआत। मध्य प्रदेश में कारोबारियों ने ढूंढ निकाला जीएसटी का तोड़, ले ली करोड़ों की इनपुट क्रेडिट। कमलनाथ सरकार का फरमान, मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार देना जरूरी। झारखंड के तीरदांजी के दो राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मध्य प्रदेश में सड़क हादसे में मौत हो गई। कमलनाथ सरकार ने बुजुर्गों की बढ़ाई पेंशन, कर्मचारियों के जुलाई से लंबे डीए को दी मंजूरी। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह ने दिया संकेत। केंद्रीय कार्यालय में पूजा पाठ करके सिंधिया ने संभाला महासचिव का पद, पार्टी को मजबूत कराने के लिए लिया संकल्प। शिवराज ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला और कहा देश जानना चाहती हैं दीदी राजीव कुमार को क्यों बचा रही हैं। अगली खबर आई है मध्य प्रदेश से कि सीबीआई निदेशक की रेस में आगे रही रीना मित्रा ने उठाए सवाल और कहा एक दिन में कैसे हुई नियुक्ति। भोपाल में स्वागत पोस्टर में राहुल को बताया राम भक्त, तो कमलनाथ बने हनुमान एवं गौ भक्त। अगली खबर आई एमपी से कि प्रशासन ने भोपाल को सूखा जिला घोषित किया, पाबंदियां तोड़ने पर 2 साल की जेल कर दी गई। शिवराज सरकार ने दुष्कर्म पीड़िता को दिया था घर, कमलनाथ ने वापस ले लिया। सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ और पथराव किए गए, शख्स का फूटा सिर। व्यापारियों को कमलनाथ सरकार का बड़ा तोहफा मिल चुका है, गुमशुदा लाइसेंस में झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, कहा था 10 दिन में कर्ज माफी ना होने पर सीएम हटा देंगे, अब पूरा करेंगे वादा, शिवराज ने दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला, फर्जी तरीके से उठाया फायदा। एमपी में डॉक्टर ने किए नौकर के 500 टुकड़े, सबूत मिटाने के लिए तेजाब से गलाए। भोपाल में मुंबई जा सकती है फ्लाइट के खाने में निकला कॉकरोच, एयर इंडिया ने माफी मांगने में भी लगाए 2 दिन। मध्य प्रदेश में गौहत्या के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई। तो ये थी एमपी से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।